नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सी ए फाइनल ऑडिट का जनवरी 21 और मई 21 के लिए डिटेल में एग्जाम ओरिएंटेड एबीसी एनालिसिस, और डिटेल में मैं आपको स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि आपको ऑडिट को किस तरह से कवर करना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऑडिट सबसे वास्ट सब्जेक्ट लगती है। ग्रुप वन में ऑडिट लगती है, जैसे ग्रुप टू में डीटी लगती है। तो ऑडिट को किस तरह से अफेक्टिवली कवर करना है ताकि आप ऑडिट में आराम से एग्जामिशन ला सको, 60 प्लस स्कोर कर सको। तो डिटेल में मैं आपको एबीसी एनालिसिस बताऊंगा, और ये एबीसी एनालिसिस जनवरी 21 और मई 21 दोनों के लिए रहने वाला है, जनवरी 21 अटेम्प्ट और मई 21 अटेम्प्ट के लिए। साथ ही मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था कि एफआर में भी थोड़ा सा चेंज होगा जनवरी 21 के लिए एबीसी एनालिसिस। तो एफआर में आपको तीन इंडेक्स और एक्स्ट्रा कवर करने हैं, कैटेगरी ए बी तो कवर करनी है जो मैंने पहले बनाया था वीडियोस के अकॉर्डिंग, और तीन इंडेक्स और कवर करने हैं आपको। एक इंडेक्स 19, एक 21, एक 37। 19, 21 और 37, ये तीन इंडेक्स आप और कवर कर लेना एफआर में, 19, 21 और 37। तो इन तीन इंडेक्स को आपको कवर करना है, इनके भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और साथ में एक बात और बता देता हूँ मैं आपको कि अब रिवीजन वीडियोस अपलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं, एसएफएम के रिवीजन वीडियोस अपलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं। कोस्टिंग के ऑलरेडी अपलोडेड है, वो कोस्टिंग के आप वीडियोस देख सकते हो, रिवीजन वीडियोस एससीएमपी के, और एसएफएम के अपलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं, न्यू कोर्स के लिए भी, ओल्ड कोर्स के लिए भी। और साथ में डीटी के रिवीजन वीडियोस भी रिकॉर्ड हो चुके हैं, मई 21 और नवंबर 21 के लिए डीटी के रिवीजन वीडियोस जो हैं वो लगभग रिकॉर्ड हो चुके हैं, और वो भी जल्द से जल्द अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। डीटी वाला पार्ट तो पूरा रिकॉर्ड हो चुका है, तो उसके रिवीजन वीडियो भी जल्द से जल्द अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो भी आप पूरा कवर कर सकते हो। डीटी के रिवीजन वीडियोस पूरे के पूरे एच पर इंस्टीट्यूट मटेरियल, उसमें पूरा कवरेज रहेगा, तो वो भी यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे, वो भी आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले एबीसी एनालिसिस सीए फाइनल ऑडिट का। और ये जो वीडियो है ये न्यू कोर्स और ओल्ड कोर्स दोनों के लिए रहने वाला है। पहले मैं आपको एक बार पेपर पैटर्न बता देता हूँ कि ऑडिट के पेपर में क्या क्या होता है। तो सब्जेक्टिव जो आता है वो 88 मार्क्स का आता है, और 30 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं। सब्जेक्टिव 88 मार्क्स मतलब इंक्लूडिंग ऑप्शन, एक तो 14 मार्क्स का आपके पास ऑप्शन होता है, और एक क्वेश्चन में 4 मार्क्स का आपके पास ऑप्शन होता है। तो 88 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर रहता है आपका, और 30 मार्क्स का एमसीक्यू रहता है। तो इस तरह से 118 मार्क्स का आपका पेपर आता है। अब 118 मार्क्स के पेपर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। पार्ट ए में तीन चैप्टर कवर होते हैं, एक एथिक्स, एक कंपनी ऑडिट और एक स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। और ये हमेशा 55-60 मार्क्स आधा पेपर कवर करते हैं, एथिक्स, कंपनी ऑडिट, इंक्लूडिंग कारो और एक स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ये तीनों मिला के लगभग आधा पेपर कवर कर लेते हैं, 55-60 मार्क्स का लगभग आधा पेपर इनसे कवर हो जाता है। और इसके अलावा अदर चैप्टर्स होते हैं, जिसमें न्यू कोर्स में लगभग 15 चैप्टर हैं और ओल्ड कोर्स में 18 चैप्टर है। 15 चैप्टर न्यू कोर्स में और ओल्ड कोर्स में 18 चैप्टर है, और न्यू कोर्स में 15 चैप्टर और ओल्ड कोर्स में 18 चैप्टर है। इनमें एक दो चैप्टर तो ऐसे हैं जो ऐसे के चैप्टर है, एक दो चैप्टर तो ऐसे हैं जो ऐसे के चैप्टर। तो इस तरह से 55-60 का ये आधा आधा वेटेज रहता है, पार्ट ए का 55-60 मार्क्स का और पार्ट बी का भी 55-60 मार्क्स का। ये भी पहले भी यही वेटेज था और आज भी यही वेटेज है, और आगे भी यही वेटेज रहेगा इसका। ऑडिट में हमेशा यही वेटेज चलता है और आगे भी यही रहेगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, खाली ये तीन चीज़ों के भरोसे जाते हैं, एथिक्स कर ली, कंपनी ऑडिट कर ली और स्टैंडर्ड्स कर लिए, और इसके भरोसे पास होना चाहते हैं। लेकिन इसके भरोसे आप पास नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आपने आधा पेपर तैयार कर लिया, 55-60 मार्क्स का पेपर तैयार कर लिया, उसमें से आपको 40 मार्क्स लाने हैं, वो लाना पॉसिबल नहीं है। आपको छोटे चैप्टर भी कवर करने होते हैं। तो कैसे कवर करना है वो अपन देखते हैं। सबसे पहले पार्ट ए कैसे कवर करना है। देखो, पार्ट ए में एथिक्स आपको कवर करनी है, क्योंकि एथिक्स का जो वेटेज रहता है लगभग 15 नंबर का रहता है, लगभग 15 मार्क्स का एथिक्स का वेटेज रहता है। तो इसके लिए जो भी क्लोज दे रखे हैं आपको क्लोज अच्छे से याद करने हैं, क्लोज नंबर भी याद करने पड़ेंगे इसमें आपको, क्लोज नंबर, शेड्यूल नंबर वगैरह वो भी आपको याद करने पड़ेंगे। उनका भी एक एक नंबर होता है, हर क्वेश्चन में एक एक नंबर, और क्लोज नंबर, शेड्यूल नंबर वगैरह का भी होता है, तो वो भी याद करने पड़ेंगे आपको। देन क्वेश्चन बैंक मैंने शेयर कर रखा है फ्री में, एथिक्स वाला क्वेश्चन बैंक पूरा शेयर कर रखा है, वो क्वेश्चन बैंक आप कर लो। या तो अगर आपके पास मेरा पूरा क्वेश्चन बैंक है तो उससे क्वेश्चन कर लो, या मैंने एथिक्स का क्वेश्चन बैंक शेयर कर रखा है उससे आप क्वेश्चन कर लो। लगभग 140 क्वेश्चन है और इंस्टीट्यूट के सारे क्वेश्चन उसमें कवर्ड है, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट और सब सारे क्वेश्चन कवर्ड है, तो वो क्वेश्चन बैंक कर लो। काफ़ी सारे क्वेश्चन उसी से रिपीट होंगे, तो सारे क्लोज लर्न करके वो क्वेश्चन बैंक कर लो। जनवरी के लिए वो पूरा अपडेटेड है, मई के लिए मैं उसको अपडेट कर दूंगा, तो वो क्वेश्चन बैंक आपको करना है। दूसरा, कंपनी ऑडिट में क्या करना है। कंपनी ऑडिट में जो मेन आने के चांसेस है वो इस बार क्या है, सेक्शन 138-148 प्लस शेड्यूल 3 में AS और INDIA का डिस्क्लोजर का क्वेश्चन इस बार आ सकता है। पिछली बार तो NFRA का एक क्वेश्चन आया था नवंबर में, तो जो नवंबर 20 वाला अटेम्प्ट हुआ था। इसके बाद कारो 2016, इसका भी क्वेश्चन आता है एक क्वेश्चन। तो ये तीन चीज़ें आप कर लो कवर, इन तीनों के आपको कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, फिर आप क्वेश्चन बैंक कर लो मेरा वाला। मेरे क्वेश्चन बैंक में लगभग 60-70 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वो क्वेश्चन बैंक कर लेना, तो इससे कवरअप हो जाएगा। और कारो आपके लिए 2016 ही एप्लीकेबल है, और मई 21 के लिए भी एप्लीकेबल। कौन सा है, कारो 2016 ही एप्लीकेबल है। तो कंपनी ऑडिट में ये चीज़ें कवर करके क्वेश्चन बैंक जरूर कर लेना। इसके बाद आते हैं अपन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग देखो, सबसे बढ़िया बात तो है कि अगर आप सारे कवर कर लोगे तो आपके लिए फायदे में रहोगे, अगर आप सारे कवर कर सकते हो तो, अगर सारे कवर कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो आपके पास टाइम नहीं है, सारे कवर करने का टाइम नहीं है, तो मैं कुछ ऐसे बता रहा हूँ आपको जो जनवरी 21 और मई 21 के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, कुछ ऐसे जो तो आपको कवर करने ही हैं, जिनके आने के चांसेस हैं। एक ऐसे 230 है जिसका आने का चांस है, जनवरी 21 में भी आ सकता है, मई 21 में भी आ सकता है। और 240 वैसे तो लास्ट अटेम्प्ट में आया था, लेकिन 240 कैसा ऐसे है जो हमेशा आता रहता है,
हर अटेम्प्ट में आता रहता है, कभी कभार हुआ है कि ये नहीं आया हो, ये तो हर अटेम्प्ट में आता रहता है। तो 230 भी करना है आपको, 240 भी करना है, और एक 260 कवर करना है आपको, 260 वाला भी आपको इसमें ऐसे कवर करना है। ये 200 की सीरीज में तीन ऐसे आपको कवर करना है। अब ऐसे 300 की सीरीज में आपको दो ऐसे कवर करने हैं, तो 315 का आने का चांसेस है, कुछ अटेम्प्ट से आया नहीं है तो आगे आ सकता है कभी भी। एक 320 आपको कवर करना है, 320 ओल्ड वाले छोड़ सकते हैं, ओल्ड वाले, क्योंकि ओल्ड वालों के लिए इस अटेम्प्ट में आ गया उनका क्वेश्चन, नवंबर 20 में उसका क्वेश्चन आ गया, अभी रिपीट होने का कोई चांस नहीं है इसके। तो ओल्ड वाले 320 छोड़ सकते हैं, बाकी न्यू वालों को तो 320 भी कवर करना पड़ेगा। अब 500 की सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज है 500 की, और हमेशा दो क्वेश्चन इसमें इस सीरीज से होते हैं, दो या तीन क्वेश्चन आपको इसी सीरीज से मिलेंगे। तो इस सीरीज में कौन कौन से आपको कवर करने हैं इस बार, एक तो 505 आपको कवर करना है, उसका क्वेश्चन आने के काफ़ी चांस है। 510 कवर करना है ओपनिंग बैलेंस वाला, 530 सैम्पलिंग वाला कवर करना है, 540 जो एस्टिमेट्स वाला है वो भी आपको कवर करना पड़ेगा, और 60 और 70 ये ऐसे ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं काफ़ी ज़्यादा, न्यू कोर्स में तो काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं। 560-70 का इस बार भी क्वेश्चन था, और आगे भी क्वेश्चन आ सकता है कभी भी, तो 560-70 भी कवर करने। अब ऐसे 600 की सीरीज में तो 610 इंटरनल ऑडिट इस बार आने का काफ़ी ज़्यादा चांस है, 610 से क्वेश्चन, तो 610 और 620 ये दोनों कवर कर लेना। और ऐसे 700 की सीरीज में 701 का आने का चांसेस है, 701 कवर कर लेना। 705 में क्वेश्चन आएगा तो वो आएगा जिसमें आपको बताना पड़ेगा मॉडिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन या डिस्क्लेमर क्या क्या होता है उसके बारे में, एक ही क्वेश्चन होता है उसका, वो आने का चांस हो सकता है। और एक 710 आप कवर कर लेना, 701, 705 और 710 ये आप कवर कर लेना। तो ये ऐसे तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने, और उसके अलावा अगर आपसे बाकी ऐसे कवर हो जाएं तो काफ़ी बेस्ट है, नहीं हो सके तो कम से कम ये तो अच्छे से कवर कर लेना, कम से कम ये तो अच्छे से कवर कर लेना, और बाकी आपसे कवर हो जाएं तो काफ़ी बेस्ट है। कैसे कवर करोगे, कवर कैसे करोगे, देखो मेरे नोट्स हैं, मेरे नोट्स हैं लगभग 45 पेज के नोट्स हैं सभी ऐसे के, वो नोट्स पढ़ लेना। क्या करना, आप नोट्स तो सभी ऐसे के पढ़ लेना, और जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके आप क्वेश्चन भी कर लेना। मेरा क्वेश्चन बैंक है, मेरे क्वेश्चन बैंक में टोटल क्वेश्चन कवर है, इंस्टीट्यूट के जितने भी क्वेश्चन है सारे कवर है, आरटीपी एमटीपी पास पेपर सबके क्वेश्चन कवर है, ओल्ड पीएम के सारे क्वेश्चन उसमें कवर है, उसके अलावा इंस्टीट्यूट के कोई क्वेश्चन भी नहीं है। तो वो क्वेश्चन बैंक इन इंपॉर्टेंट वालों के कर लेना, नोट्स सारों के पढ़ लेना, क्या पता गलती से कोई दूसरा ऐसे आ गया तो नोट्स पढ़े हुए हैं आप उसका आंसर दे सकते हो, तो नोट्स सारों के पढ़ लेना और फिर क्वेश्चन बैंक कर लेना, उसके बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको। अगर ऐसे जो आते हैं लगभग 35 मार्क्स के आते हैं, 32-35 मार्क्स के आते हैं, तो 35 मार्क्स के आते हैं तो 30 मार्क्स के आपको इसी से मिलेंगे, इसी कंटेंट से मिलेंगे, कहीं से मिलेंगे भी नहीं, इसी कंटेंट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये हो गया ऐसे को करने का तरीका। अब पार्ट बी में आते हैं अपन, पार्ट बी अगर आप छोड़ते हो तो पास होना मुश्किल है, मुश्किल क्या नामुमकिन है, पार्ट बी करना जरूरी है। अब पार्ट बी में देखो कैटेगरी है तो जरूर करनी है, कैटेगरी है तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो हमेशा आते हैं, हर अटेम्प्ट में आते हैं, आप पेपर उठा के देख लो किसी भी अटेम्प्ट का, आपको हमेशा मिलेंगे, ओल्ड कोर्स में भी मिलेंगे और न्यू कोर्स में भी, हर अटेम्प्ट में मिलेंगे आपको। ऐसे पांच चैप्टर आज तक ऐसा कोई भी अटेम्प्ट नहीं गया जिसमें नहीं आया हो, पांच चैप्टर मैं बताता हूँ आपको। पहला चैप्टर है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 4 है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वाला, इसका हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन मिलेगा, इस बार भी क्वेश्चन था, उससे पहले भी, और कभी कभी तो दो बार क्वेश्चन मिल जाता है इसका, कभी कभी तो दो बार क्वेश्चन आ जाता है, तो इस चैप्टर को जरूर कवर करना है। दूसरा ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका तो हमेशा क्वेश्चन मिलेगा आपको, हमेशा इसका क्वेश्चन मिलेगा, तो इसको भी नहीं छोड़ सकते। तीसरा ऑडिट अंडर फिस्कल लो, ये स्मॉल चैप्टर में सबसे बड़ा चैप्टर है, ऑडिट अंडर फिस्कल लो, जिसमें टैक्स ऑडिट दे रखी है और एक जीएसटी ऑडिट दे रखी है, तो इस वाले चैप्टर में आपको क्लोज नंबर वगैरह याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने टैक्स ऑडिट कर रखी है तो चैप्टर आपका अपने आप कवर हो जाएगा, अगर आपने प्रैक्टिकल लाइफ में आर्टिकल शिप में टैक्स ऑडिट कर रखी है तो, और जीएसटी ऑडिट वाला पार्ट बिल्कुल बकवास है इसका, बिल्कुल ही बकवास पार्ट है। तो इसके लिए देखो क्या कर सकते हो, इस चैप्टर के लिए अगर आपसे पूरा नहीं हो पा रहा तो खाली क्वेश्चन बैंक भी अगर आप कर लोगे तो भी काम चल जाएगा। और जीएसटी ऑडिट के लिए तो खाली क्वेश्चन बैंक ही कर लो, जीएसटी ऑडिट में कोई नया क्वेश्चन नहीं आएगा, रिपीट ही होगा क्वेश्चन, तो मेरा क्वेश्चन बैंक है इस चैप्टर का, वो क्वेश्चन बैंक कर लो, उसमें मैंने कीवर्ड्स भी हाईलाइट कर रखे हैं, अगर आपसे फिर भी नहीं हो पा रहा तो कीवर्ड्स भी हाईलाइट कर रखें, तो खाली क्वेश्चन बैंक भी कर लोगे तो काम चल जाएगा। और टैक्स ऑडिट के लिए चाहो तो एक बार सारे क्लोज देख लो, अगर आपने टैक्स ऑडिट कर रखी है प्रैक्टिकल लाइफ में तो काफ़ी फायदा है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जीएसटी ऑडिट के लिए खाली क्वेश्चन बैंक कर लो, क्योंकि आप जीएसटी ऑडिट पढ़ने लग जाओगे तो ऐसे उसमें आपके हाल खराब हो जाएंगे, तो खाली क्वेश्चन बैंक आप कर लोगे सफिशिएंट रहेगा। फिर एक ऑडिट ऑफ पीएसयू, ये भी रिपीट होता है, इसको भी जरूर करना है। एक ऑडिट ऑफ बैंक, इसका भी हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है, लास्ट में भी था और हमेशा आता है क्वेश्चन। तो ये पांच चैप्टर तो हमेशा आपको करने हैं, इन पांच चैप्टर में तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते आप, ये पांच चैप्टर तो आपको कवर करने हैं। अब ऑडिट ऑफ बैंक और छठा इस बार जो सिलेक्शन किया मैंने वो है इंटरनल एंड ऑपरेशनल ऑडिट, इस बार आया था क्वेश्चन मैनेजमेंट ऑडिट का। अब इंटरनल एंड ऑपरेशनल ऑडिट का आने का चांस है, न्यू कोर्स में आने का चांस है और ओल्ड कोर्स में इसका क्वेश्चन हमेशा आता है, इंटरनल एंड ऑपरेशनल ऑडिट, तो ये आपको करना है। इंटरनल ऑपरेशनल और मैनेजमेंट ऑडिट इस चैप्टर का नाम है, जिसमें से आपको दो टॉपिक करने हैं, इंटरनल एंड ऑपरेशनल ऑडिट, और इन दोनों में जो ज़्यादा आने का चांस है वो है इंटरनल ऑडिट का, ज़्यादा आने का चांस इस बार इंटरनल ऑडिट का है। तो ऑडिट ऑफ बैंक और इंटरनल एंड ऑपरेशनल ऑडिट ये कवर कैसे करोगे आप, इसके लिए मैंने यूट्यूब पर वीडियो डाल रखा है, हाईलाइट करवा रखें कीवर्ड,
मैंने स्टडी मैट में जो कीवर्ड्स हैं हर टॉपिक के कीवर्ड्स हाईलाइट करवा रखे हैं, और अगर आपने वो कीवर्ड्स हाईलाइट कर लिए तो ये दोनों चैप्टर अगर आप पहली बार भी पढ़ोगे ना तो दो दो घंटे में खत्म कर दोगे, दो दो घंटे में आप ये चैप्टर खत्म कर दोगे पहली बार भी पढ़ोगे तो। तो ये दो चैप्टर जो हैं काफ़ी लेंथी चैप्टर है, ऑडिट ऑफ बैंक्स और इंटरनल एंड ऑपरेशनल ऑडिट। इसके लिए मैंने स्टडी मैट में सारे कीवर्ड हाईलाइट करवा रखे हैं और दोनों वीडियो डाल रखे हैं मैंने यूट्यूब पे, वो देख लेना, उससे आपका कवर हो जाएगा दोनों के दोनों चैप्टर। और ऊपर के चार चैप्टर तो आपको या तो मेरे नोट्स पढ़ लेना पहले तो, और नोट्स पढ़ने के बाद क्वेश्चन बैंक देख लेना ऊपर के चार चैप्टर का। खाली क्वेश्चन बैंक मत करना, नोट्स पढ़ के क्वेश्चन बैंक देखना, खाली क्वेश्चन बैंक करने से काम नहीं चलेगा। तो नोट्स पढ़ना मेरे, फिर क्वेश्चन बैंक कर लेना। हाँ, फिस्कल लॉ में आप खाली क्वेश्चन बैंक करना चाहो तो कर सकते हो, फिस्कल लॉ में जीएसटी वाले पार्ट के, जीएसटी वाले पार्ट का खाली क्वेश्चन बैंक कर लो, सफिशियंट रहेगा। लेकिन बाकी जो है ऑटोमेटेड एनवायरमेंट, ऑडिट कमेटी, ऑडिट ऑफ पीएसयू और फिस्कल लॉ में जो टैक्स ऑडिट वाला पार्ट है उसके ऊपर नोट्स पढ़ लेना, फिर क्वेश्चन बैंक करना। और इन दोनों चैप्टर के लिए मैंने कीवर्ड्स हाईलाइट करवा रखे हैं यूट्यूब पे, वो वीडियो देखना, उससे आपका कवर हो जाएगा। ये अगर आपने छः चैप्टर कवर कर लिए लगभग 35 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे, लगभग 35 तो आराम से आपके कवर हो जाएंगे। तो 35 ये कवर हो गए, ऊपर आपका 55 टू 60 मार्क्स का पोर्शन कवर हो गया, लगभग 90 मार्क्स या 95 मार्क्स का आपका पेपर कवर हो जाएगा इन्हीं से, इन्हीं चीज़ों से। लेकिन यहाँ तक तो चीज़ें कवर करनी है। अब आ जाती है कैटेगरी बी और सी। कैटेगरी बी और सी इनमें आप जाओ तो सेलेक्टिव जा सकते हो। अब कैटेगरी बी में चार चैप्टर मैंने रखे हैं इस बार, ऑडिट ऑफ सीएफएस, इंश्योरेंस ऑडिट, पीयर रिव्यू, इन्वेस्टिगेशन एंड ड्यू डिलीजेंस। इनमें क्या होता है, एक अटेम्प्ट में छोड़ के एक बार क्वेश्चन आता है इन चार चैप्टर में। इस बार पीयर रिव्यू का क्वेश्चन आ गया, एमसीक्यू आया था 10 मार्क्स का पीयर रिव्यू का, 10 मार्क्स का एमसीक्यू इस बार। तो पिछली बार भी बी कैटेगरी में था, इस बार भी बी कैटेगरी में पीयर रिव्यू का फिर से क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू आने का चांस नहीं है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 4 नंबर तक का आ सकता है। बाकी कैटेगरी बी में मैं बताऊं जिसके ज़्यादा आने के चांसेस इस बार, वो है इंश्योरेंस ऑडिट और दूसरा है इन्वेस्टिगेशन एंड ड्यू डिलीजेंस। इनके क्वेश्चन आने के चांस है दोनों के, एक एक क्वेश्चन, तो 8 नंबर का इस तरह से आने का चांस है। बाकी सीएफएस भी आ सकता है या पीयर रिव्यू भी आ सकता है। तो या तो सीएफएस या इंश्योरेंस ऑडिट एक क्वेश्चन इनका आएगा, या पीयर रिव्यू, इन्वेस्टिगेशन, ड्यू डिलीजेंस इन दोनों में से एक का आएगा। तो इस तरह से 8 नंबर के ये चार चैप्टर रहने वाले हैं। तो इसके लिए आप चाहो तो खाली क्वेश्चन बैंक कर सकते हो, और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो मेरे नोट्स पढ़ के क्वेश्चन बैंक कर लेना। मेरे नोट्स डाल रखे हैं मैंने, वो नोट्स अपडेटेड हैं, उन नोट्स को पढ़ के क्वेश्चन बैंक कर लेना जनवरी 21 के लिए, वो नोट्स पूरे अपडेटेड है। मई 21 के लिए पीयर रिव्यू में कुछ एडिशन हुए हैं, पीयर रिव्यू में वो मैं कर दूंगा और उसके बाद वो मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। अब आ जाते हैं अपन कैटेगरी सी। बाकी जो भी चैप्टर बच गए, ऑडिट प्लानिंग, इंटरनल कंट्रोल, एनबीएफसी, एनबीएफसी इस बार सी कैटेगरी का है, इस बार क्वेश्चन आ गया, अब सी कैटेगरी है वो। लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, क्वालिटी रिव्यू, ऑडिट रिपोर्ट, फोरेंसिक ऑडिट, फोरेंसिक ऑडिट का भी क्वेश्चन आ गया, वो सी कैटेगरी हो गया। और एक मैनेजमेंट ऑडिट, उसका भी क्वेश्चन आ चुका, उसका क्वेश्चन आने का कोई चांस नहीं है। तो ये कुछ चैप्टर हैं जो सब मिला के लगभग 8 नंबर कवर करेंगे, एक दो टॉपिक का क्वेश्चन आ सकता है, मुश्किल से मुश्किल 8 नंबर कवर करेंगे, मुश्किल से मुश्किल इन सभी चैप्टर से दो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो इनके लिए आपके पास लास्ट में टाइम बच जाए तो मेरा क्वेश्चन बैंक है, और क्वेश्चन बैंक में मैंने क्या कर रखा है, इन सभी चैप्टर के जो छोटे चैप्टर हैं ना, जितने भी मैंने बताया आपको कैटेगरी ए बी और सी, सबके कीवर्ड्स बोल्ड कर रखे हैं। वो कीवर्ड्स याद कर लो बस, आप तो सभी चैप्टर के क्या कर लो, कीवर्ड्स याद कर लो अगर आपके पास टाइम हो तो, नहीं तो कैटेगरी सी वाले चैप्टर में आप कुछ चैप्टर छोड़ भी सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इनमें से आप कुछ चैप्टर छोड़ भी सकते हो, लेकिन हो सके तो मेरा क्वेश्चन बैंक में कीवर्ड्स बोल्ड है, याद करोगे तो आपके लिए फायदा रहेगा। अब ओल्ड कोर्स में दो चैप्टर एक्स्ट्रा हो रहा है, कॉपरेटिव सोसाइटी, कॉस्ट ऑडिट, ये हमेशा सी कैटेगरी के चैप्टर होते हैं, इनके आने के काफ़ी कम चांस होते हैं, और कभी भी कभी आता है इनका क्वेश्चन 5-6 अटेम्प्ट में एक बार। तो ये सी कैटेगरी के ही चैप्टर है ओल्ड कोर्स के, वो दो चैप्टर भी। तो इस तरह से आपको कवर करना है, कैटेगरी ए अच्छे से कवर करना, कैटेगरी ए में नोट्स पढ़ के क्वेश्चन करने हैं आपको, और फिस्कल लॉ में जीएसटी ऑडिट वाले पार्ट के आप खाली क्वेश्चन कर सकते हो। और मैंने बताया ऑडिट ऑफ बैंक्स और इंटरनल और ऑपरेशनल ऑडिट, इसके लिए कीवर्ड्स हाईलाइट का वीडियो डाल रखा है मैंने, एसएम में कीवर्ड्स हाईलाइट कर रखे हैं, वो एसएम में कीवर्ड्स हाईलाइट करके क्वेश्चन कर लो। इनके मेरे नोट्स मत देखना, मेरे नोट्स ओल्ड कोर्स के इन दोनों के, और न्यू के भी हैं, लेकिन उसमें न्यू में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हैं, इस कारण मैंने कीवर्ड्स हाईलाइट करवा दिए। तो कीवर्ड्स हाईलाइट वाली वीडियो देख लेना इन दोनों के। बाकी पीएसयू के मेरे नोट्स हैं, वो ओल्ड वाले भी यूज़ कर सकते हैं, न्यू वाले भी। फिस्कल लॉ के टैक्स ऑडिट वाले मेरे नोट्स हैं टैक्स ऑडिट के, वो ओल्ड वाले भी यूज़ कर सकते हैं, न्यू वाले भी। ऑडिट कमेटी के मेरे नोट्स हैं, ओल्ड वाले भी यूज़ कर सकते हैं, न्यू वाले भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो नोट्स आप देख लेना। इन चैप्टर के कैटेगरी बी के नोट्स हैं मेरे चारों चैप्टर के, अगर आपके पास टाइम है तो नोट्स पढ़ के, ओल्ड के ओल्ड कोर्स के भी न्यू नोट्स हैं और न्यू कोर्स के भी, वो नोट्स पढ़ के क्वेश्चन कर लेना। अगर आपके पास नोट्स पढ़ने का टाइम नहीं है तो खाली क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन देख लेना, खाली क्वेश्चन बैंक, मेरा वाला क्वेश्चन बैंक है, उसमें कीवर्ड्स बोल्ड है, वो कीवर्ड्स ही याद कर लेना आप, तो उसी से काम चल जाएगा। और कैटेगरी सी में तो खाली क्वेश्चन बैंक ही देखना आपको, नोट्स वगैरह मत देखना, टाइम हो तो क्वेश्चन बैंक देख लेना। कुछ चैप्टर छोड़ने हो आपको तो कैटेगरी सी से आप छोड़ भी सकते हो, और क्वेश्चन बैंक में कीवर्ड्स हाईलाइट हैं, कोई दिक्कत आएगी भी नहीं आपको। अब लास्ट चीज़ है इसमें एमसीक्यू, एमसीक्यू को कहाँ से कवर करें, तो एमसीक्यू जो मैंने चीज़ें बताई आपको क्वेश्चन बैंक और नोट्स उनसे ही कवर हो जाएंगे सारे। बाकी आप एमसीक्यू आईसीआई ने जो साइट पे डाल रखे हैं, अपने अपनी साइट पे जो एमसीक्यू डाल रखे हैं, एक तो वो देख लेना, एक आरटीपी में जो उन्होंने एमसीक्यू दे रखे हैं, दो तीन आरटीपी में जो एमसीक्यू दे रखे हैं वो देख लेना, और दो तीन एमटीपी में जो एमसीक्यू दे रखे हैं वो देख लेना। बस आईसीआई वाले एमसीक्यू देखने, एग्जाम में अगर आते हैं तो कुछ एमसीक्यू तो आईसीआई वाले आ जाते हैं, 5-7 नंबर के तो आईसीआई वाले मिल जाएंगे आपको, और कुछ आते हैं वो नए बनते हैं, वो किसी की बुक से नहीं आते। वो नए कैसे बनेंगे, जो मैंने आपको
सोर्स बताया है क्वेश्चन में या जो नोट्स बताए हैं मैंने या जो कीवर्ड्स मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ उन्हीं से आपको मिल जाएंगे, उन्हीं से आपको क्वेश्चन में क्या बोलते हैं एमसीक्यू वगैरह मिल जाएंगे। और ऐसे के भी एमसीक्यू बनेंगे तो इन नोट्स वगैरह से कवर हो जाएंगे सारे के सारे। तो एमसीक्यू ओनली आईसीआई वाले करने हैं, बाकी ऊपर वैसे ही कवर हो जाएंगे, आपको किसी की बुक से 2000-3000 एमसीक्यू करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इस तरह से आप ऑडिट कवर करोगे तो आपका ऑडिट का आराम से कोर्स भी हो जाएगा और दिक्कत भी नहीं आएगी। इस तरह से ऑडिट कवर करने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, कोर्स भी हो जाएगा और आपके मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आ सकते हैं, 60+ आराम से मार्क्स आ सकते हैं। इस बार देखना काफ़ी सारे स्टूडेंट के ऑडिट में काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे, आपको पता चल जाएगा जब रिजल्ट आएगा कि कितने मार्क्स आते हैं ऑडिट में। तो इस तरह से आप प्रिपरेशन कर लो, कोई दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, रिवीजन वीडियो एसएफएम के जल्द से जल्द सारे चैप्टर के अपलोड हो जाएंगे और डीटी के रिकॉर्ड हो चुके हैं, ओडीटी के रिकॉर्ड हो चुके हैं तो अब स्टार्ट हो जाएंगे अपलोड होना। डीटी के जो होंगे वो मई 21 और नवंबर 21 के लिए होंगे, मई 21 नवंबर 21 के लिए। बाकी एसएफएम के तो कोई भी देख सकता है, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये मैंने आपको बताई दिया। उसके बाद एफआर के भी रिवीजन वीडियो आएंगे, एफआर के रिवीजन वीडियो हो सकता है मई 21 अटैम्प्ट के लिए आएँ, जनवरी के लिए पॉसिबल ना हो लेकिन मई के लिए कन्फर्म आएंगे, मई 21 नवंबर 21 के लिए एफआर के रिवीजन वीडियो भी कन्फर्म आएंगे। तो इन सब्जेक्ट के आपको रिवीजन वीडियो भी मिल जाएंगे, बस रिवीजन वीडियो एक लोगे नहीं मिलेंगे भी आपको और एक ऑडिट के भी कम चांस है, लोअर ऑडिट के अलावा बाकी सब सब्जेक्ट के रिवीजन वीडियोस आपको मेरे चैनल पे लगभग सारे सब्जेक्ट के एज पर आईसीआई मॉड्यूल सारे चैप्टर के कवर होंगे। तो कोस्टिंग के तो वही है जो मैंने पहले डाले थे, सेम टू सेम है, कोस्टिंग में कोई कोर्स चेंज नहीं हो, वो आप उसको देख सकते हो। तो आज की क्लास अपन यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू सो मच। ये वीडियो इसलिए लेट हो गया क्योंकि मेरा डीटी का बैच चल रहा था, तो इस कारण मैं टाइम नहीं दे पाया। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।